सीएम एकनाथ शिंदे ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। महाराष्ट्र सरकार के साल भर में किए गए कार्य को गिनाया। टीडीआरएफ के कर्मियों को किया सम्मानित। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पर फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज। परिसर में दिखी कड़ी सुरक्षा। आरएसएस के स्वयंसेवक और प्रचारक रहे उपस्थित। कोल्हापुर में मराठा आरक्षण की बैठक में मचा बवाल। कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक। उप मुख्यमंत्री अजित पवार के सामने कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। विपक्षी नेता विजय वडेट्टीवार का दावा। बोले शिंदे का जल्द कटेगा पत्ता। पहले होंगे अस्पताल में भर्ती, फिर कोई और बनेगा सीएम। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने किया बड़ा दावा। बीजेपी ने उन्हें भी दिया गठबंधन का ऑफर। राज ठाकरे ने खुद की इस बात की पुष्टि। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को फिल्म देने वालों को एमएनएस ने दी धमकी। बोलिए तमाशा बंद करो वरना अच्छा नहीं होगा। कराची टू नोएडा नाम की फिल्म में काम कर रही सीमा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर महाराष्ट्र में कैदियों के लिए विशेष छूट। 186 कैदियों को मिलेगी माफी। जेल से होंगे रिहा। जेलों में कैदियों के लिए कार्यक्रम का भी आयोजन। महाडक मुंबई बोर्ड ने 4082 फ्लैटों के लिए निकाला लॉटरी ड्रॉ। मोदी सरकार के मंत्री भागवत कराल को मिली निराशा। बीजेपी विधायक के नारायण कुचे को मिला करोड़ों का फ्लैट। मुंबई में स्कूल को बम चलवाने की धमकी से मचा हड़कंप। 6 माह में फर्जी कॉल करने के 9 आरोपी गिरफ्तार। नाला सुपारा स्थित ब्लूमिंग वर्ल्ड हाई स्कूल को बम चलवाने की मिली थी धमकी। नागपुर के हुडेश्वर में मां से झगड़े के बाद 24 वर्षीय बेटे ने की आत्महत्या। पंखे से झूलता मिला शव। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस।